हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल फैशन एंड क्रिएटिविटी हब। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे इस प्यारे से लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से। इस लहंगे को मैंने बंद कली में बनाकर रेडी किया है। तो गाइस, जिस वीडियो को देखने के बाद में आपके सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कलियों का मेजरमेंट किस टाइप से लेना होता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से हम ऊपर की साइड से कली का मेजरमेंट लेते हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स के फैब्रिक को यूज किया है इस लहंगे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिंपल लाइनिंग फैब्रिक यूज किया है, लगभग 4 मीटर मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है। उसके बाद में हमने नेट के नीचे लगाने के लिए सिल्क वाला फैब्रिक लिया है, तो लगभग 3.5 मीटर मैंने यहाँ पर ये वाला फैब्रिक लिया है। उसके बाद में ये रहेगा हमारा मेन फैब्रिक। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी एम्ब्रॉयडरी के साथ हमारे नेट फैब्रिक है, जिसकी हमने कलियाँ कट करके अपने लहंगे को रेडी करना है। नीचे की साइड में इसमें कुछ इस तरीके से बॉर्डर दिया हुआ है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारा इसका लुक है। अगर आप लोगों को ये फैब्रिक चाहिए तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूँगी, कॉमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस, अब हम अपने आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कलियों को कट करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 बार फोल्ड करके रखना है। तो गाइस, इस फैब्रिक को जब हम 4 बार फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 16 कलियों में डिवाइड हो जाएगा। तो लगभग मैंने यहाँ पर ये 4 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसको मैंने 4 बार फोल्ड कर लिया और ये हमारा 16 कलियों में ऐसे डिवाइड हो गया। तो अब हमने इसके ऊपर अपनी कलियों की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम अपना लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने लहंगे की लंबाई रखनी है। तो लहंगे की जो रेडी लंबाई है वो मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ 38 इंच। तो यहाँ से हमने 38 इंच की लंबाई रखनी है, उसमें हमारी लगभग 2 इंच की बेल्ट अटैच हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर बचेगी 36 इंच की लंबाई। 36 इंच में अब हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेना है। ये देखिए, तो 37 इंच पर हमारा यहाँ पर निशान आएगा। तो गाइज, यहाँ पर मैंने 37 इंच पर इस तरह से मार्क करके लंबाई के लिए इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो अब हमारा फैब्रिक लंबाई में कट हो चुका है। तो गाइज़, अब हमने अपनी कलियों का मेज़रमेंट लेना है। तो ऊपर की साइड से मेज़रमेंट किस टाइप से लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने अपनी बेल्ट देखनी है, तो मैं इस लहंगे को रेडी कर रही हूँ 32 बेल्ट के लिए। जो भी आपका बेल्ट का साइज़ है उसमें हमने लगभग 4 इंच की लूजिंग ज़रूर रखनी होती है। तो यहाँ पर मैं 32 बेल्ट के लिए इसको रेडी कर रही हूँ, 4 इंच की लूजिंग रखूँगी। तो 36 इंच मेरा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर मेरा 36 इंच बेल्ट का साइज आ चुका है। तो अब हमने किस तरीके से मेज़रमेंट लेना है ऊपर की कली का, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। जो भी आपका बेल्ट का साइज आएगा, जैसे मेरा 36 इंच आया है, अब हमने जितने भी हमारी कलियाँ हैं, जैसे यहाँ पर मेरी 16 कलियाँ है, तो हम 36 को 16 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा 2.25, यानी कि 2.25 इंच। तो गाइज, जितना भी आपका बेल्ट का साइज आएगा उसमें हमने जितनी भी हमारी कलियाँ है उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर जो भी आपका साइज आएगा वो होगी हमारी ऊपर की साइड से कली की चौड़ाई। अब हमने ऊपर की साइड से कली की चौड़ाई 2.25 इंच रखनी है, और अब हमारा दोनों साइड में 1/2 इंच मार्जिन भी जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर मैंने 2.75 इंच लेना है, यानी कि 1 इंच इसमें ऐड करके अपनी कली को ऊपर की साइड से कट करना है। तो हमारी जो प्रॉपर कली की चौड़ाई आएगी ऊपर से वो आएगी 2.75 इंच। तो अब हम कली के लिए मार्किंग करते हैं। तो ऊपर की साइड से सबसे पहले हमने कली की चौड़ाई देख लेनी है। जो भी आपकी कली की चौड़ाई है, जैसे मेरी 10 इंच आई है, तो उसके हाफ पर हमने इस तरह से मार्क करना है। 5 इंच पर हमने मार्क कर लिया बिल्कुल सेंटर में। अब जितने भी हमारी कली की चौड़ाई थी, जैसे 2.75 इंच हमारी कली की चौड़ाई आई है, तो उसको हमने इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करके हाफ निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमारा आएगा लगभग 1.6 इस तरह। तो दोनों साइड में हमने लगभग 1.6 पर इस तरीके से मार्किंग करनी है। इसको मैं आपको मार्कर से मार्क करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए,
ये हमारा सेंटर वाला निशान होगा। और अब आप देख सकते हो हमारी जो प्रॉपर कली की चौड़ाई है वो 3.25 इंच ही आएगी। तो इस तरीके से हमने ऊपर की साइड से कली के लिए चौड़ाई का निशान लगाना है। अब नीचे की साइड से हमारा थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी, हम इसको बंद कलियों में लगा रहे हैं, तो हम एम्ब्रॉयडरी को छोड़ते हुए लगभग 9 इंच तक का इस तरह से मार्किंग करेंगे। अगर आपके नीचे की साइड में एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो आप इसको 7 इंच तक ले सकते हो। तो हमने 9 इंच तक इस तरीके से मार्किंग करनी है और यहाँ पर इस तरीके से देखिए एक लाइन बना देनी है। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने 9 इंच तक मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कली के लिए मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसको कट करके अलग कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर मैं इसको बंद कलियों में बना रही हूँ। अगर आपको इसकी अलग अलग कलियाँ भी कट करनी है तो भी बिल्कुल सेम ही प्रोसेस रहता है, आप एंड कोने तक इसको कट कर सकते हो। इस तरीके से बंद कलियों में कट करने से हमारा फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा कम लगता है और बहुत ही ज़्यादा कम फैब्रिक में काफ़ी ज़्यादा घेर वाला हमारा लहंगा बनकर रेडी होता है और हमारी एम्ब्रॉयडरी भी वेस्ट नहीं होती। तो आप देख सकते हो उस तरीके से हमने इसको खोलने के बाद में ये हमारा पैटर्न आएगा। उल्टी साइड से हमने अपने इस वाले पैटर्न को रखना है और दो दो कलियों को इस तरीके से मिलाना है और उनको जॉइंट करते जाना है। तो मैं आपको इनको स्टिच करके भी दिखा देती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुकी अपनी मशीन के ऊपर। उल्टी साइड से हमने इस तरीके से दोनों कलियों को पकड़ना है और ऊपर की साइड से सिलाई लगानी शुरू करनी है। तो यहाँ पर अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इजी है इस लहंगे को सिलना। तो गाइस ये वाली सिलाई आपको ध्यान से लगानी है, नेट वाला फैब्रिक हमारा खींचना नहीं चाहिए। ये देखिए एंड पॉइंट पर आते हुए हमने इसको इस तरीके से स्टिच करना है। तो आप देख सकते हो अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरे वाली कली को भी इसमें जोड़ना है और बिल्कुल इसी तरीके से हमने सभी कलियों को जॉइंट करके इसको रेडी कर लेना है। तो रेडी करने के बाद में अब हमारा जो इसका लुक आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमने सभी कलियों को यहाँ पर जॉइंट कर लिया और ये देखिए कितने ज़्यादा घेर में हमारा ये लहंगा बनकर रेडी होने वाला है। बंद कलियों में जब हम अपने लहंगे को बनाते हैं तो उसका यही फ़ायदा होता है, नीचे की साइड से हमारा जितना भी फैब्रिक है वो घेर हमारा प्रॉपर उतना ही आएगा। तो यहाँ तक हमारे कलियाँ जॉइंट हो चुकी हैं। अब हमने इसके लिए लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं लाइनिंग की कटिंग करूँगी इसकी बेल्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइज यहाँ पर मैंने ले लिया है सिल्क वाला फैब्रिक, लगभग 3.5 मीटर मैंने फैब्रिक रखा है। ये हमारी फैब्रिक की बंद वाली साइड है, इसको मैंने सिर्फ एक ही बार फोल्ड करके रखा है। तो अब हमने अपने लहंगे को लेना है और इसको भी एक ही बार में इस तरीके से फोल्ड करना है और कॉर्नर पर अब हमने इसको कुछ इस तरीके से रखना है। ये देखिए यहाँ पर अब हमने दोनों ही साइड से इक्वल निशान लगाना है। आप देख लीजिए दोनों ही साइड से हमारा इक्वल रहना चाहिए और बिल्कुल इसी के हिसाब से ही हमने सेंटर में भी मार्किंग करनी है और राउंड शेप दे देनी है। ये देखिए तो यहाँ तक अब हमने निशान लगा लिया है हमारे लहंगे की बेल्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइज अब हमने इसमें नीचे की साइड भी मार्किंग करनी है लंबाई की। तो जितनी लेंथ हमने लहंगे की ली थी उतनी ही हम इसमें रखेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लगभग 1 इंच नीचे की साइड से मार्जिन में चला जाएगा, तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर बाद में शॉर्ट हो जाएगा। तो गाइज़ अब हमने 37 इंच पर ही लंबाई का निशान लगाना है इस तरह, और इसको भी हम नीचे की साइड से राउंड शेप देंगे। और पहले हम यहाँ तक ही कटिंग कर लेते हैं, आगे की साइड फिर हम मार्किंग करते जाएंगे और इसको कट करते जाएंगे। तो ऊपर की साइड से सबसे पहले हमने इसको कट कर लिया, अब नीचे की साइड से भी हमने इसको कट कर लेना है। तो इसी तरीके से राउंड शेप में ही हमने इसको कट करना है। तो यहाँ तक कट करने के बाद में अब हम इसमें आगे की मार्किंग करेंगे। आप एक ही बारी में सारी मार्किंग कर सकते हो। तो 37 इंच तक हमने मार्किंग करनी है। एक साइड से हमारा फैब्रिक थोड़ा सा छोटा पड़ने वाला है, जहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा फैब्रिक अटैच करेंगे जोड़ लगाकर।
तो गाइज जहाँ तक हमारा 37 इंच आया था वहाँ तक मैंने इसको कट कर लिया। अब इस साइड से हमने थोड़ा सा इसमें जॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर हमें लगभग 3 इंच फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसको ही हम ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे। अब इसको हमने थोड़ा सा ऊपर करके रखना है मार्जिन लेते हुए इस तरीके से। मार्जिन का फैब्रिक लगभग 1/2 इंच हमने ऊपर की साइड करके रखना है। और अब हमने यहाँ से ही 37 इंच पर मार्किंग करनी शुरू करनी है और उसको राउंड शेप दे देनी है इस तरीके से। तो 37 इंच पर मार्किंग करने के बाद में अब हमने इसको राउंड शेप में कट कर लिया है। यहाँ पर अब हमने इसको इस तरीके से खोल के इस वाले फैब्रिक की पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और इसको यहाँ पर स्टिच लगाकर इसमें जॉइंट लगा लेंगे। इससे हमारा फैब्रिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा राउंड शेप में। तो गाइस ये जॉइंट मैंने यहाँ पर लगा लिया है, ये देखिए अब ये हमारा बिल्कुल लहंगे वाले शेप में कम्प्लीट हो चुका है, ये देखिए। अब हमने इसी के साथ में ही अपने लहंगे वाले पार्ट को, नेट वाले पार्ट को स्टिच करना है। तो इसको हम खोल के यहाँ पर रखेंगे और इसके साथ में हमने इस वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है इस लहंगे को बनाना और बहुत प्यारा इसका लुक आता है। ये देखिए यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा कर इसको स्टिच कर लेना है, ये देखिए। तो हमारा ये पार्ट स्टिच हो चुका है, आप देख सकते हो कितना प्यारा भी से इसका लुक आ रहा है। तो गाइज इतना काम करने के बाद में अब हमने इसके लिए एक और फैब्रिक की कटिंग करनी है, जो हमारा नीचे की साइड में लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा उसकी भी हमने कटिंग करनी है। तो इसी तरीके से हम इसकी भी कटिंग करेंगे। आप इसको कॉर्नर से भी कटिंग कर सकते हो, इसकी लंबाई थोड़ी शॉर्ट है। तो गाइज मैं इसको सेंटर से कट करूँगी। तो इस फैब्रिक को मैंने सेंटर से 2 बार फोल्ड कर लिया। अब इसी तरीके से हमने अपने लहंगे को भी 2 बार फोल्ड करना पड़ेगा, ये देखिए। और इसको हमने इस तरह सेंटर में रखना है और यहाँ पर हमने मार्किंग कर लेनी है इसी के अकॉर्डिंग, ये देखिए। तो मार्किंग करने के बाद में अब हमने इसको कट कर लेना है। तो अब जितनी भी नीचे की साइड से इसकी लंबाई है उतनी ही लंबाई में हमने इसको चारों तरफ से राउंड शेप में कट करना है इस तरीके से। तो जहाँ तक भी हमारी इसकी लंबाई आएगी वहीं तक हमने इसको मार्क करके इस तरीके से कट कर लेना है। ये हमारा थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा क्योंकि लाइनिंग वाला फैब्रिक हमारा छोटा ही रहता है। तो अब गाइस बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको भी इसके साथ में अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने एक साइड से इसको स्टिच करना है, उसके बाद इसको खोलने के बाद में हमने मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए इसको भी एक सिलाई लगाकर स्टिच कर लेना है। सेंटर से हमारा थोड़ा सा कोना निकल सकता है जिसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो उसको यहाँ से हमने स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद में जो इसका लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखिए हमारा ये लाइनिंग वाला फैब्रिक इसके साथ में स्टिच हो चुका है, आप देख सकते हो। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से यहाँ तक हमने इसको रेडी कर लिया है। अब आगे हमने क्या करना है, नीचे की साइड से अब हमने इसमें कैन पट्टी या फिर हॉर्स हेयर ब्रेड जिसको हम बोलते हैं उसको हमने अटैच करना है। इसको हम हॉर्स हेयर पट्टी या फिर कैन पट्टी भी बोलते हैं, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसको हमने नीचे की साइड अटैच करनी है। इसको अटैच करने के बाद में हमने नीचे की साइड में कैन अटैच करने की नीड नहीं होती, इसी से बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है। तो गाइस इस कैन पट्टी को हम इस तरीके से रखते हैं, ये देखिए इसको हमने उल्टी साइड में अटैच करना है। तो हमने इसको उल्टी ही साइड में कुछ इस तरीके से रखना है, आप देख सकते हो फ्रंट साइड में इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। तो इस तरीके से हमने नीचे की साइड में सिलाई लगाते जाना है और इसको चारों ही साइड में पूरे नेट फैब्रिक पर इसको स्टिच करके रेडी कर लेना है। अब उसके बाद में हमने ऊपर की साइड भी इसको इस तरीके से मिलाते हुए स्टिच लगाने हैं और ऊपर की साइड से भी इसको स्टिच करके रेडी कर लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरह का लुक इसका आएगा।
तो इस तरीके से हमने इसको भी पूरे नेट फैब्रिक के बॉर्डर पर इसको अटैच कर लेना है। तो गाइज कैन पट्टी अटैच करने के बाद में कुछ इस तरीके का हमारे लहंगे का लुक आया है। अब यहाँ तक का काम करने के बाद में अभी हमने नीचे की साइड वाले दोनों ही फैब्रिक को फोल्ड करना है। आप इस वाले फैब्रिक को नीचे की साइड से पीको भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से इसको डबल फोल्ड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। नीचे वाले फैब्रिक को भी हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट्स को हम यहाँ पर रेडी करके आपको दिखा देते हैं। तो गाइस हमने नीचे की साइड वाले पार्ट पर जो सिल्क वाला फैब्रिक था उसके ऊपर मैंने यहाँ पर पीको की है और नीचे वाले फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसको साइड से स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम जिप अटैच करेंगे। जिप से पहले हम इसको नीचे की साइड से स्टिच करेंगे। तो किस तरीके से स्टिच करना है, अभी हमने अपने लहंगे को कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट करना है। इसके सभी पार्ट्स को इस तरीके से साइड से बिल्कुल इक्वल करके हमने रखना है। ये देखिए एकदम अच्छे से इसको हम इस तरह इक्वल करके रखेंगे। कोई भी पार्ट्स हमारा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया। अब हमने जिप का साइज़ देखेंगे। जहाँ तक भी आपको जिप अटैच करनी है, तो मैंने लगभग 7 इंच तक अपने जिप को अटैच करनी है, तो हमने 7 इंच पर मार्क कर लेना है। अब उसके नीचे हमने 2 इंच तक एक मार्क और करना है। इस तरीके से लंबाई में हम एक मार्क करेंगे। ये देखिए प्रॉपर 2 इंच तक हमने एक मार्क और कर लिया। अब इन सभी पार्ट्स को आपस में मिलाते हुए हमने सिर्फ ये 2 इंच तक वाले पार्ट पर स्टिच लगानी है। ऊपर नीचे से हम इसको खुला रखेंगे, ओनली यहीं पर हमने इसमें स्टिच लगानी है। तो गाइस यहाँ पर स्टिच मैंने लगा ली है। ये देखिए ओनली इतने ही पार्ट्स में मैंने स्टिच लगाई है, आप देख सकते हो। तो अब हम अपने नीचे वाले फैब्रिक को स्टिच करना है। उसके लिए हमने सभी फैब्रिक को बाहर की साइड छोड़ देना है, ओनली नेट वाले फैब्रिक को हमने यहाँ पर लेना है। ये देखिए जो भी आपका सबसे पहला मेन फैब्रिक होगा उसको हम यहाँ पर पकड़ेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसके बिल्कुल साइड से ही हमने सिलाई लगा कर इसको नीचे तक स्टिच करना है। ये देखिए इस सिलाई से मिलाते हुए हमने यहाँ पर सिलाई चलानी है और इसको नीचे कॉर्नर तक स्टिच कर लेना है। तो इसको मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हमने नेट वाले फैब्रिक को अंदर की साइड छोड़ देना है इस तरह, और ये जो हमारा सिल्क वाला फैब्रिक है अब हम ओनली इसको पकड़ेंगे। नेट वाले फैब्रिक को देखिए इस तरह अंदर की साइड छोड़ना है और ओनली हमने सिल्क वाले फैब्रिक को पकड़ना और इसी सिलाई से हमने नीचे कॉर्नर तक इसको भी स्टिच करना है। उसके बाद में हमने इसको भी अंदर की साइड छोड़ देना है और ओनली लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमने पकड़ना है और इसी सिलाई से ही हमने इसको भी नीचे की साइड तक स्टिच करना है। इस तरीके से हमारे सभी पार्ट्स अलग अलग स्टिच हो जाएंगे। तो ये देखिए गाइज मैंने यहाँ पर स्टिच लगा ली है और कुछ इस तरीके का हमारा इसका लुक आएगा। सभी पार्ट्स हमारे अलग अलग स्टिच हो जाएंगे जिस तरीके से लहंगे में होता है, बिल्कुल उसी तरह। अब हमने ऊपर की साइड में जिप को अटैच करना है। तो जिप हमने किस तरीके से अटैच करनी है, ये देखिए जिप अटैच करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। यहाँ पर हमने जिप को लेना है और ये देखिए हमारा हाफ हाफ इंच फैब्रिक कुछ इस तरीके से फोल्ड होगा। अब हमने इस जिप को एक साइड में रखना है, इस फैब्रिक को फोल्ड करके सिंपल एक सिलाई लगा देनी है, कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइज ये देखिए ऊपर की साइड से हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने अपनी जिप को रखना है और इस तरीके से इसको रखते हुए हमने इसके ऊपर स्टिच चलानी है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है ये जिप अटैच करने का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लेना है। जिप को हम नीचे की साइड रखेंगे, उसके बाद में जब हम नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे तो जिप हम ऊपर की साइड कर लेंगे। तो गाइज अब हमने यहाँ से ही इसको इस तरीके से मोड़ना है और मोड़ने के बाद में अब हमने इसको अच्छे से पहले सेट कर लेना, देख लेना है हमारी जिप तक प्रॉपर आ रहा है क्या। उसके बाद में हमने इसको इस तरीके से मोड़ते हुए स्टिच चलानी है और ऊपर की साइड भी हमने इस तरीके से इसको स्टिच कर लेना है।
यहाँ पर हम जिप नीचे की साइड कर लेंगे और इस तरीके से कॉर्नर तक इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कितने आसान तरीके से हमने जिप को अटैच कर लिया है। बिना कोई झंझट के हमने इस लहंगे के पूरे साइड को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी हमारी जिप और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैच हो चुकी है। तो गाइज़ यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हमारी बस्ती ओनली बेल्ट अटैच करना। तो बेल्ट अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक की पट्टी को कट करके रखा है। इस फैब्रिक की पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने लगभग 5 इंच रखी है, आप देख सकते हो। इस पट्टी को मैंने सेंटर से फोल्ड किया है और उसको एक साइड में लगभग 2 इंच की हमने ये पेस्टिंग पट्टी को इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है और हाफ हाफ इंच हमारा दोनों साइड में इस तरीके से मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। तो ये हाफ हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, 2 इंच की हमारी बेल्ट रेडी होगी। तो अब हमने अपने बेल्ट के इस प्लेन वाले पार्ट को लेना है और उसको उल्टी साइड रखना इस तरीके से, और यहाँ पर हमने लगभग 1 इंच बार की साइड छोड़ते हुए इसको रखना है और इसको इस तरीके से बेल्ट को स्टिच कर लेना है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने एक साइड से इसको स्टिच कर लिया है जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब हमने दूसरी साइड से इसको कुछ इस तरीके से स्टिच करना होगा। उससे पहले हमने साइड में लगभग 1 इंच का जो फैब्रिक छोड़ा था उसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है, आप देख सकते हो, और हाफ इंच जो हमारा मार्जिन वाला है उसको हम इस तरह ऊपर की साइड में फोल्ड करेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और साइड में हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो गाइज़ ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसमें सिलाई चला ली है। थोड़ा सा इसको वापस लाते हुए पक्का कर लेंगे, ये देखिए। तो जब हम इसको सीधी साइड पलटेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा इसका लुक आएगा साइड से, आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से हमारी ये बेल्ट अटैच हो जाएगी। अब हमने इसके दूसरे वाली साइड को भी लेना है। इसके दूसरे वाली साइड में भी हम बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल किनारे तक स्टिच नहीं करना है। यहाँ पर हम लगभग 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच करेंगे। तो इतना ज़्यादा हम यहाँ पर इसको लेते हुए इसको स्टिच करेंगे। ये हमने इस तरह इसलिए लिया है ताकि हम इसमें यहाँ पर हुक अटैच कर सके, जिस तरीके से हमारे रेडीमेड लहंगे में आता है बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको रेडी करेंगे। तो इस साइड से हमने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बार की साइड रखा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर लेंगे और इसको जब हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो हमारा इतना बाहर की साइड आएगा कुछ इस तरीके से, जिसमें हमने हुक को अटैच करना है। अब इसको हमने अच्छे से इस तरीके से सेट करते हुए अंदर की साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे किनारे से और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में इस सिलाई को चलाना है और बिल्कुल इसी तरीके से पूरी बेल्ट के ऊपर हमने सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेना है, ये देखिए। पूरी बेल्ट हमारी बिल्कुल इसी तरीके से रेडी हो जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पर हमने बेल्ट को रेडी कर लिया है और हमारा लहंगा भी इसी के साथ में रेडी है। अब यहाँ पर हमने हुक को अटैच करना है और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से अटैच करके बंद कर लेंगे और इसको हुक अटैच होने के बाद में हमारा लहंगा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इसका फाइनल लुक तो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ वेयर करने के बाद में। तो ये रहा मेरे लहंगे का फाइनल लुक। और गाइस जिसके लिए मैंने इस लहंगे को बनाकर रेडी किया है उन्हीं की डिमांड पर मैंने पीछे की साइड से बेल्ट को थोड़ा सा खोलकर इसमें 5 से 6 इंच की इलास्टिक को अटैच किया है, जिसकी क्लिप मैं यहाँ पर अटैच नहीं कर पाई इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर बिल्कुल इसी तरीके से इस लहंगे को बनाकर रेडी किया है, ओनली बैक साइड में थोड़ी सी इलास्टिक और अटैच कर दी। बाकी आप इस लहंगे का लुक देख ही सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा आया है। इसके साथ में जो मैंने ब्लाउज़ वेयर की है नेक्स्ट वीडियो में उसके अपलोड करने वाली हूँ,
उस वीडियो को भी अपना बहुत सारा प्यार देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरे बताने का तरीका पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। गाइज़ मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से इजी ट्रिक के साथ में नए नए डिज़ाइन लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।